गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिजिक्स में चैप्टर 3 जो पिछली वीडियो में स्टार्ट किया गया था उसी का जो शेष है वो हम लोग शुरू करेंगे। लेकिन इसके पहले आप लोगों को पहला चैप्टर जो था वो कंप्लीट कर दिया गया था, दूसरा चैप्टर भी कंप्लीट कर दिया गया था और इसके साथ साथ आपको न्यूमेरिकल्स बताए जा चुके थे। प्रत्येक वीडियो में, पहले वाले वीडियो में आपको बताया गया था कि जो पिछले चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट हो चुके थे और थर्ड चैप्टर जो था आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैद्युत विभव वो स्टार्ट किया गया था। तो जब वैद्युत विभव स्टार्ट किया गया था तो आपसे बताया गया था कि पिछले जो चैप्टर्स हैं उनके जितने भी क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल हैं, फार्मूला डेरिवेशन हैं, उनको आप तैयार कर लीजिए और अदरवाइज उसमें कोई दिक्कत आती है, कुछ आप पूछना चाहते हैं तो उनको आप WhatsApp या कॉन्टैक्ट नंबर के माध्यम से संपर्क करके उन क्वेश्चनों को या फिर उन किसी एक डेरिवेशन को जो आपके समझ में न आया हो वो आप पूछ सकते हैं। और जब भी आप वीडियो देखना शुरू करें तो अपनी किताब और कॉपी अपने पास रखें ताकि जो चीज़ें आपके समझ में आ रही हैं उसको आप नोट भी करते रहिए, अपना नोट्स भी साथ ही साथ आप तैयार करते रहिए ताकि आप आगे आसानी से पढ़ सकें। तो आइए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो आज के वीडियो में हम उसी चैप्टर की बात करेंगे जो पिछला चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, वैद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में पिछली वीडियोस में हमने वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर आपको लिखवाया जा चुका था, बताया जा चुका था, उसके जो फार्मूले होते हैं वो भी आपको बताए जा चुके हैं। आज आपको उन्हीं फार्मूलों पे आपको न्यूमेरिकल्स कराए जाएंगे। जैसे आपको दो फार्मूले बताए गए थे, एक वैद्युत विभवांतर का और एक वैद्युत विभव का, यानी वैद्युत विभवांतर VA माइनस VV इजकल टू W अपन Q0 और V इजकल टू वैद्युत विभव V इजकल टू W अपन Q0, दोनों में क्या अंतर होता है ये चीज़ आपको पहले बताई जा चुकी थी। आज मैं इन्हीं फार्मूलों पर आपका दो फार्मूले बताए गए हैं इस चैप्टर के, दोनों फार्मूलों पे एक एक न्यूमेरिकल मैं आपको करवा दूंगा ताकि इस पे आधारित जो न्यूमेरिकल्स आपकी बुक्स में हैं उनको आप सॉल्व कर सकें और जो क्वेश्चंस आपको नहीं आए उनको आप हमसे कांटेक्ट या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके पूछ सकें ताकि उनका सलूशन नेक्स्ट वीडियो में करके आपको बताया जा सके। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में ब्लैक बोर्ड पर आप ध्यान देंगे, हमने पहले ही एक क्वेश्चन ले लिया है तो आइए देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है और इसका सलूशन हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहली बात ध्यान देंगे, आपका क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो बिंदुओं A तथा B पर वैद्युत विभव क्रमशः 2 वोल्ट तथा 4 वोल्ट हैं तो 8 माइक्रो कूलाम के बिंदु आवेश को बिंदु A से B तक ले जाने में कितना कार्य करना होगा। ध्यान देंगे, क्वेश्चन कह रहा है यदि दो बिंदु हैं A तथा B पर वैद्युत विभव क्रमशः 2 वोल्ट तथा 4 वोल्ट है, यानी A पर जो विभव है वो 2 वोल्ट है और B पे जो विभव है वो आपका 4 वोल्ट है, तो 8 माइक्रो कूलाम के बिंदु आवेश को, कोई 8 माइक्रो कूलाम का बिंदु आवेश है उसको बिंदु A से बिंदु B पर ले जाने में कितना कार्य करना होगा। यानी अगर जो हम किसी वस्तु को एक बिंदु से उठा के दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं तो निश्चित रूप से हमें कोई ना कोई कार्य करना पड़ता है, यानी कार्य होता है। तो ठीक ऐसे ही इस न्यूमेरिकल में भी आपसे पूछा जा रहा है कि यदि दो बिंदुओं A तथा B पर वैद्युत विभव क्रमशः 2 वोल्ट तथा 4 वोल्ट हैं तो 8 माइक्रो कूलाम के बिंदु आवेश को बिंदु A से बिंदु B तक ले जाने में कितना कार्य करना होगा। तो आइए हम इसका सलूशन देखते हैं। ध्यान देंगे,
यदि दो बिंदुओं ए तथा बी पर वैद्युत विभव, यहाँ पे आप लिख लेंगे दिया है, क्या दिया है, क्या ज्ञात है आपको, पहले वो लिख लीजिए, दिया है, क्या दिया हुआ है, दो बिंदुओं ए तथा बी पर वैद्युत विभव क्रमशः 2 वोल्ट तथा 4 वोल्ट है, यानी वी ए इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है 2 वोल्ट। फिर देखेंगे वी बी इज इक्वल टू दिया हुआ है 4 वोल्ट। फिर कह रहा है तो 8 माइक्रोकूलम के बिंदु आवेश को, यानी आवेश जो है यानी Q की जो वैल्यू है वो है आपका 8 माइक्रोकूलम, यानी आवेश आपका माइक्रोकूलम में है तो इसको हम चेंज कर देंगे कूलम में, तो 1 माइक्रोकूलम बराबर 10^-6 कूलम होता है। तो 8 माइक्रोकूलम को आप चेंज कर दीजिए कूलम में, तो ये हो जाएगा 8×10^-6 कूलम। फिर ध्यान देंगे, आपसे कह रहा था यदि दो बिंदुओं ए तथा बी पर वैद्युत विभव क्रमशः 2 वोल्ट तथा 4 वोल्ट हैं, यानी वी ए इज इक्वल टू 2 वोल्ट हो गया, वी बी इज इक्वल टू 4 वोल्ट हो गया, तो 8 माइक्रोकूलम के बिंदु आवेश को, यानी क्यू इज इक्वल टू 8 माइक्रोकूलम, तो क्यू इज इक्वल टू कूलम में, जब माइक्रोकूलम को कूलम में बदलेंगे तो 8×10^-6 कूलम हो जाएगा। तो कह रहा है कि बिंदु आवेश को बिंदु ए से बी तक ले जाने में कितना कार्य करना होगा, यानी डब्ल्यू की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, किसकी वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, डब्ल्यू की लिखेंगे, इसलिए बिंदु ए तथा बी के बीच विभवांतर के बीच विभवांतर वी इक्वल टू हो जाएगा वी बी माइनस वी ए, तो वी इक्वल टू वी बी की वैल्यू आपकी कितनी है 4, माइनस वी ए की वैल्यू कितनी है 2, तो वी की वैल्यू निकल जाएगी 2 वोल्ट। अब आपसे पूछा जा रहा है कि कितना कार्य करना होगा, आपने V की वैल्यू निकाल ली, W की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए किया गया कार्य W बराबर हो जाएगा V Q, तो W इज इक्वल टू V की वैल्यू रख दीजिए, V की वैल्यू हो गई 2 और Q की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, Q की वैल्यू है 8×10^-6, तो अब 8 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 16×10^-6 और कार्य का मात्रक होता है जूल, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी बिंदु ए और बी के तक आवेश को बिंदु ए से बी तक ले जाने में 16×10^-6 जूल कार्य करना पड़ेगा, कार्य होगा। तो आपने देखा कि आपको जो पहला फार्मूला वैद्युत विभवांतर का पढ़ाया गया था Va-Vb इज इक्वल टू W/Q0, उस पर हमने एक न्यूमेरिकल करके आपको दिखा दिया, पुनः एक न्यूमेरिकल और लेंगे हम लोग और फिर उसका सलूशन करके देखेंगे जो वैद्युत विभव का होगा, और फिर आगे बढ़ते हैं। इसके पहले हमने एक क्वेश्चन का सलूशन देखा, अब उसी प्रकार वो क्वेश्चन था आपका वैद्युत विभवांतर पे, अब अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपके ब्लैकबोर्ड पे है, इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि 15×10^-4 कूलम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु तक लाने में 2.25 जूल कार्य करना पड़ता है, उस बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। यानी 15×10^-4 कूलम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु तक लाने में 2.2 जूल कार्य करना पड़ता है, उस बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं इसका सलूशन करके कि इसका आंसर हम क्या पाते हैं। तो फिलहाल आज आप लोगों ने 2 न्यूमेरिकल सॉल्व किया, पहला न्यूमेरिकल आपको कराया जा चुका है इसी वीडियो में, दूसरा न्यूमेरिकल भी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। तो पिछले इसी चैप्टर में जो थियरी
जो फार्मूला आपने पढ़ा हुआ था उस पे हमने दो न्यूमेरिकल्स आज आपको करवा के दे रहे हैं। तो आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन। इसमें भी आप लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, पहले 15 गुणा 10 पे माइनस 4 कूलाम आवेश, यानी Q की जो वैल्यू है वो दी गई है 15 गुणा 10 पे माइनस 4 कूलाम को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु तक लाने में 2.25 जूल, यानी W की जो वैल्यू है वो दी गई है 2.25 जूल कार्य करना पड़ता है। उस बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए, यानी हमें V की वैल्यू पूछी जा रही है। यानी ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इजी ही इजी क्वेश्चन है। तो आइए हम इसका वैद्युत विभव निकालते हैं। तो आपको वैद्युत विभव भी इक्वल टू पढ़ाया गया है कि वी इक्वल टू होता है डब्लू अपान क्यू। तो यहाँ से ध्यान देंगे डब्लू अपान क्यू, तो डब्लू की वैल्यू 2.25 अपान क्यू की जो वैल्यू है वो है 15 गुणे 10 पे माइनस 4। यहाँ से वी इक्वल टू हो जाएगा माइनस 4 है, 10^-4 माइनस 4 जो है इसको हम ऊपर कर देंगे तो ये हो जाएगा 2.25 गुणे 10 पे घात 4 बट्टा 15। यानी इसी का हम सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा मिलेगा 1500 वोल्ट, यही आपका आंसर होगा। यानी उस बिंदु पर वैद्युत विभव 1500 वोल्ट होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, केवल फार्मूले में हमें वैल्यू पुट करनी थी और उसका कैलकुलेशन करने पे हमें 1500 वोल्ट मिला। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि अगर जो आपको फार्मूले याद हैं तो आप किसी भी क्वेश्चन को इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो आपसे ये आशा की जा रही है कि आप कि इसी एक्सरसाइज में, इसी चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चंस इसी आधार पे हैं, तो आप इन सारे क्वेश्चनों को लगाने का प्रयास कीजिएगा। और जो क्वेश्चंस आपसे नहीं लग पाएंगे उनको आप पूछ सकते हैं, उनका सलूशन करके नेक्स्ट वीडियो में आपको दे दिया जाएगा। कल आपका एक फार्मूला ड्राइवेशन किया जाएगा जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। वो फार्मूला होगा एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। यानी हमें निकालना होगा भी इक्वल टू 1/4πε0 के क्यू अपान आर। ये फार्मूला ड्राइवेशन कल हम करेंगे कि एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव क्या होता है। तो कल आज के वीडियो के लिए इतना ही। फिर कल के नेक्स्ट वीडियो में आपका जो फार्मूला ड्राइवेशन है एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, ये कराया जाएगा। लेकिन इसके पहले आपसे आशा की जा रही है कि आपको जो पढ़ाया गया है उसका आप नोट तैयार करते रहिए, बनाते रहिए, और जो भी क्वेश्चंस, जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं उसको आप किसी भी तरह से कॉन्टैक्ट करके व्हाट्सएप या फ़ोन नंबर के द्वारा हम लोगों से पूछ सकते हैं, ताकि आपको फिर उसका सलूशन बताया जा सके। ओके, थैंक यू।